बनाएंगे। रुपेश बेटा छोटा सा कुटिया बनाएंगे राधेश्याम, बोलो ना, गाएंगे कहे बेटा, है कि नहीं? छोटे से कुटिया बनाए भाई, कौन जर भरत भैया सुंदर छोटे से कुटिया बना करके आज है तीन माता सुंदर भगवान के नाम लेवत है, भगवान की पूजा करत रहे बेटा। एक दिन की बात दाई, गंडकी नदी के किनारे में सुंदर है तेन हिरन मन है तेन पानी पिए वरा है बेटा। जैसे हिरन है तेन पानी पिए वर है तेन उतर करके शोषण भर पानी पियत रहा है, तत्के बेर जोर से शेर दहाड़ मार दिस बेटा। शेर के दहाड़ मारते ही हिरन डर के मारेगा, नदीम छलांग लगा दे कथे बेटा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देता है नदी में छलांग लगाते ही हिरन गर्भ में बेटा, और जो गर्भ स्त्री है ना माता मन है ना वो मां मल्लक थे, ज्यादा काम मत कर, ज्यादा वजन मत उठा, देख के चल, ऐसे कहते ना बेटा। हिरन ल कौन कहे दाई देख के दौड़ के जी के डर महा कठिन लल्लो, जी के डर के मारे मोर दाई दद हो। हिरन है तिन नदी में कूद के कहे बेटा, डर के मारे जैसे वो नदी में कूदिस कहे भाई, वो समय है तेन श्वास तेन फूले लगिस कहे, अब फूले के कारण से अचानक हिरन के बच्चा है तेन माँ के गर्भ से बाहर निकल के कहे बेटा। अब हिरन जो माँ है ना वो माँ है तेन एक सकरानुमा पहाड़ में अपन मुंडिल दे मारिस कहे बेटा बच्चे के चक्कर में, लेकिन वह सकरा इतना रहा है कहे बेटा, जिन सकरा के कारण से हिरन मारे के कहे बेटा, छोटे से बच्चा हिरन के बच्चा है, वो हिरणी के बच्चा ल देख करके विचार करते कि भगवान आखिर में हिरणी के बच्चल मैं निकाल हूं नहीं तो मर जाए कहे, है ना भाई, बिना सहारा के बच्चे का बेटा। अभी आप भजन में सुने ना, सहारा की जरूरत है भाई, बिना सहारा के कोई काम बनने वाला नहीं है दाई। एक स्थिति माता भरत भैया जा करके है तेरे हिरन के बच्चा है तिल बाहर निकाल इस कहे माँ, बाहर निकाल करके सुंदर है तेन पूछिस कहे बेटा, पूछ करके सुंदर है तेन अपन आश्रम में रख दीजिए। जैसे जड़ भरत भैया पूजा करे बर बैठे बेटा हो तो वैसने ना हिरण के बच्चा रहा है तिन का करे, दो ठन गोड़ ला ऊपर कर ले और जड़ भरत भैया ऊपर खड़ा हो जाए। सुने बेटा तो भैया कथे, अरे रात रे हिरण एक कनिक तो पूजा कर दे, लेकिन हिरण के मोह के कारण से भगवान की पूजा नहीं हो पाई बेटा। दाई हो भगवान के पूजा करना है भागवत पुराण के भगवान के ना, तो जल्दी जल्दी आबे तो जल्दी ज्यादा देर ले पूजा करे बर मिल देगा, अब भीड़ में आबे ना तब जल्दी जल्दी मिलते बेटा पूजा करे बर, आराम से मिलने वाला नहीं है। वैसने भरत भैया कहा थे, अरे हिरण अलग हो जा, मोला थोड़ कनी पूजा करन दे कहे बेटा, कत के कन पूजा बेटा, एक घड़ी या दो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध, हो रामा कटे कोटि अपराध, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कहे भाई, एक घड़ी यादों घड़ी पुनी यादों की याद, अरे तुलसी चर्चा राम की कटे कोठी अपराध बेटा। भगवान के नाम एक घड़ी लो तो भी अमोल है कहे बेटा। आज जर भरत भैया कथे, रात रे हिरण के बच्चा तोला मयम निकाल दे तो मोरे ऊपर चढ़ा थस, धक्का मार के तेन फिर नीचे करे फिर चढ़ जाए जी। सुंदर भगवान मन के लिए सुंदर फूल कहते छोटे छोटे पौधा लगा है बेटा, वो पौधा मल्ला है तेन
हिरण के बच्चा रहे तिन चर दे कहे। जर भरत भैया व्याकुल होके कथेगा बड़ा गड़बड़ हो गए, ये मन तो इसने करते रहे देकर से भैया कैसे करो में है ऐसे कहे। तो जड़ भरत भैया तेन कथे मही आंख ल बंद कर लो कहे। अब माँ आंख ल बंद करके भगवान के ध्यान करो कहे। भाई यदि आंखिल बंद करके भगवान के ध्यान करिस कहे प्रेमी सज्जनो तो का दिखती बेटा, वो ये दिखते कहे भाई हिरण के झुंड पानी पिए भरा है। हिरण के झुंड ल देख करके हिरण के बच्चा रहते सोचते भगवान जैसे मोर शरीर कबरा कबरा है। कैसे रहते बेटा हिरण बोलो ना, कबरा 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 है विष्णु गुरु मन के है। हिरण के का होते बोलो ना, सिंह होते कहे बेटा। मोर जैसने सिंह है वैसने ओकरो सिंह है, मोर जैसने मुंह है वैसने ओकरो मुंह है, ओ मन जैसने नरिया थे वैसने महू नरिया थो, ओ मन जैसने छलांग लगा थे गायत्री बेटी वैसने महू छलांग लगा देता। ये कहा हिरण के बच्चा, हिरण के झुंड ला देख करके हिरण के झुंड में जा करके हिरण के बच्चा मिल गए बेटा। चल भरत भैया भगवान की पूजा करके उठ के देखिस दाई, का देखिस कहे माँ हिरण के बच्चा है ही नहीं कहे बेटा। हिरण के बच्चा ना पा करके आज ही दिन विचार करिस कि हे परमात्मा आज हिरण के बच्चा कहाँ चले गए कहाँ चले गए कहे दाई। अब यही कहाँ कहाँ के चक्कर में जर भरत भैया के प्राण निकल के कहे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दाई हो तो मल्ला मनुष्य बनना है ना माता, मानो तन पाना है तो मन में अच्छा विचार रखो बेटा। सुने हे भगवान मोला ते मनखे तन बना के भेज देवे, ऐसे भगवान से कहो तो मनखे तन ही मिली बेटा। सुने अब विचार कोनो बदलिस नहीं, मोला माछी बना देते भगवान फोकट में रसगुल्ला खाते, ऐसे कहो तब माछी बनो दाई मैं नहीं जाना। मैं तो बोल निर्भात माता सही बात बताता हूँ बहनी हो। सुने मरे एक बेर रुपेश बेटा मरे के बेर ते जेकरे ध्यान करबे लल्लो वही चियोनी मिलते है बेटा। एक स्थिति दाई दादा हो ये चेत ल भगवान से बार बार लगा कर रखो परमात्मा मोला माछी मत बनावे, मोला फोकट के लड्डू नहीं खाना है, चमचम नहीं खाना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, मक्की गुड़ में परी रहे पंख रहे लिपटाए, सिर धुले पंख हिले फिर पाछे। सुने बेटा पहली गुड़ मना बरसात के दिन में लल्लू भाई पिघलाहा मिलेगा गिलपटा है गुड़, माछी बरसात में ज्यादा हो जाते बेटा। सुने माछी तेन गुड़ में लाला चुंबैठी फोकट के और चिपक गिना उकर पंख है, पंख हिले सिर धुने फिर पाछे पछताए। सुने बार बार आज भी देखो बेटा मक्खी अगर आपके घर में है ना तो बैठे ना बेटा, तो आज गौर करके देखो मक्खी बार बार सिर ल धुनते, अरे ऐसन गलत जगह में मत बैठ जिनमें तुर प्राण निकल जाए। सुने सतसंग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी नी भाई, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सतसंग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुन बेटा सत्संग में बैठो, अगर माछी भी कोनो सत्संग में आग डूब के लगा लेना तो वो कर माछी बनना सार्थक होगे भाई। काकर द्वारा हमरे शरीर में माछी कई बार बैठ के आ जाते नहीं आते नहीं आजी, और सुन रे भगवान के कथा तो कर जीवन धन्य होगे बेटा। सुने एक स्थिति कथे माँ जैसने योनि के ते काम ना करबे विष्णु योनि मिलिस। आज जर भरत भैया तिल्ला मरे बिर याद आगे मृग कहे हा मृग हाँ मृग कहे लल्लो और प्राण निकल के कहे बेटा। भगवान कथे अरे जर भरत
ते मृग ले याद करके मरे तिकर सिति जाते मृग बन जा कहे बेटा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दे भैया मृग योनि पा करके संत महात्मा की कुटिया में मर महतारी हो सुंदर है तिन्हा घास फूसला चरे भगवान के भजन करे कहे। अब भगवान के भजन कैसे करे बेटा सत्संग मीत लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग मीत लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग मीत लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी सत्संग में तहा लाग रे अच्छी बनेगी बोलो सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई 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 तेरी बन जाएगी मेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी मेरी बन जाएगी मोना संतोषी रूपे ईश्वर आशा विश्वासा हाँ हाँ तुम समझ जाती भिलाई वाले सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी पीर की बन गई मीरा की बन गई केसी की बन गई मीरा की बन गई पीर की बन गई मीरा की बन गई सबरी की बन गई मीरा की बन गई सूर की बन जाएगी हरि के गुण गाने से सूर की बन जाएगी हरि के गुण गाए से सूर की बन जाएगी हरि के गुण गाए से सूर की बन गई हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। ए भाई तोर बन जे भैया तो बिगड़े काम बन जे रुपेश कैसे इस बार चंद्र बाबू तो पीछे में रहते वो पीछे वाला है ना सुने वर्मा आगे रहते ते करे बन थे पीछे वाला बन के नहीं बने जी जगह चैन करके बैठो भैया बन जाएगी तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी हरि गुण गाने से तेरी भी बन जाएगी हरि गुण गाने से तेरी भी बन जाएगी सत्संग में तहां लाए
अच्छी बनी सभी सब के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो दाई तालीम अगर कंजूसी करत हो ना तो तुम्हार हाथ के रेखा बिगड़ जाए। मैं डरवात नहीं हूँ, सही बात कहा था। अगर सत्संग में बैठ के वर्मा बराबर बजावे ताली ना भाई तो निश्चित समझ लो चित्रेखा आपकी बिगड़े रेखा बन के रही। आप यकीन नहीं करो पापा, आज तो चौथा दिन हो गए कहे है ना, आज से ठीक बेटा चार दिन बाद अपन हाथ के रेखा देखो भला। देखो मैं जेकर रेखा नाम है तेला नहीं कहा था भाई, सुने हाथ लगने सुंदर रखो और ताली सुंदर भाव से बजाओ बेटा। बिगड़े काम बनाने वाला तो यही भगवान है ना। एक ऋषि जी कहे भाई तेरी बन जाएगी मेरी तो बन जाएगी, तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी मेरी तो बन जाएगी, तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी। सत्संग में ते लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग में सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग में तह लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस भैया थोड़ कने की गलती के कारण से बेटा जड़ भरत मृग बनना पड़ी बेटी, मृग बनीस भाई, लेकिन वह मृग आज भी बेटा हरिओम अपनी स्मृति याद रखे। सुने बेटा पूर्व जन्म की कथा कही रही समझाए, अरे चित्त लगा के सब सुनो पावहु सुख महान। वो हिरण होते हुए भी बेटा संत महात्मा के कुटिया के घास पूछला चर के अपन समय निकाल दीस बेटा, और का करे पता है बेटा, पेट है भरे चाहे मत भरे वो संत कुटिया के आश्रम के घास लखा करके लल्लू भाई भगवान के कथा हित सुने संत महात्मा के कथा सुने बेटा। एक आठ जन पशु पक्षी का आदत रहते नहीं, का हो गए दाई का हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत के आश्रम में रह करके घास पूछ शरीर कहे बेटा, फिर मृग योनि से मुक्ति मिली, फिर भैया के कहे तेन शरीर मानव तन मिलीस बेटा, तीन बार है तेन मानव तन मिलीस भरत भैया। जब भरत राज्य कृष्ण बेटा तेकर से ती हमारे देश के नाम का पड़ी भाई, बोलो नाम भारत कहे है नहीं भाई, हमारे देश के नाम जैसने राजा रीत तैसने ओकर नाम पड़ेस कहे भारत। अब भारत थे तेन नाम होइस कहे जेकर देश में हम सब जियथन कहे भैया है नहीं। आज ये प्रकार से भैया जर भरत भैया तेक मृग योनि से मुक्ति मिलीस बेटा, फिर से मानव तन पैस कहे वही जड़ भरत वाली योनि, जिन जड़ भरत योनि में जंगल जंगल विचरण करत रहा है भैया। ये रहा एक झन चोल राजा रहेगा, वो चोल राजा के एको झन संतान नहीं रहे बेटा, और संतान नहीं रहे के कारण से ना उकर यहाँ एक झन महाराज आइस काइस बेटा, काइस ईश्वर काइस खाओ नहीं भैया ध्यान से सुन बेटा, तोर बुआ की बात मान बेत गड़बड़ हो जाए। एक रे से मैं देखा तर तो का कौन गोठिया थे तो फट लोकरे च नाम ला ले कि में सुने ना, हाँ बिलई है मुसफल कैसे पकड़ डरते पता है नहीं, उसने ताय भैया हो तुमन बैठाल ले हो तब पकड़े काम मोर है नहीं। तो देखे भैया ये दे थोड़ कनी बात बर बेटा, आज जड़ भरत भैया तेन जंगल में विचरण करत रहा है, वो चोर चोल नाम के राजा रहे बेटा, उकर एको जन संतान नहीं रहे बेटा हो, जेकर एको जन लोग लेकर नहीं रहे ना ते लोग लेकर पड़ते रस्ते भाई है कि नहीं बेटा,
अब जिकर घर लोग लेकर तहां जय माता दी तोर बाप नहीं मारे तकर से चढ़ घस रे ऐसे कहा थे। अब कहा थे ते लागे किसम का मैं नहीं कहा थे ते दाई मला नहीं कहा न बाप ला नहीं कहा था सुने ना। हाँ वो रुपये से पीड़ थे दमाद दम में जाना था बेटी उसने ता है सुने ना। तो देखे भैया तो मैया हो जिकर संतान है ना बेटा मारो अच्छे है ठीक है बेटा डांटना तो जरूर चाहिए बेटा पीटना भी चाहिए ज्यादा भी नहीं पीटना भाई ठीक है। आप एक बेटा है बेटी भी आपके कभी इतना जोर से भी मत मारो कहीं वो ज्यादा नुकसान पहुंच जाए पापा। मैं अपन आप लोग बताता हूँ पापा सुने मैं एक आध बार पुनः मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ बेटा घरों में और गुस्सा एक आध बार कर पड़ो ना और लैकम लैका जीवन भर एक आध चटकन पार गए तो मोर तबियत खराब हो जाते। डांटो गलती करे तो थोड़ा पीटो भी मामल छूट है मोर बात अलग है भाई तुमन विष्णु मोर बरोबर मत करो दाई हो। तो माता मल्ला डांटना भी चाहिए पितल डांटना काबर डांटती बेटा बार बार लेके मल्ला अरे ये काम नहीं करना चाहिए ना काबर बड़बड़ करे थे तीनों बहनी बैठ के बैठ ले कर बड़र बड़र गुठिया था चुप नहीं रहा तुम्हारे नहीं कहा था बेटी वाह नहीं कहा नहीं कहा बैठे रहो ये बड़बड़ चिल्लावत रहेगा क्या कर कथे कहाँ पहुंचे इसलिए ना भाई तुगे ये भाग बिता नहीं डर छूट जाते भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दे भैया वो राजा के घर में बेटा ये कुछ जन संतान नहीं है उकर महाराज कथे कि अगर कोनो हित मानव रहे ते ला नर बलि दे दिया जाए कहे दाई सुने नर बलि दी काली माता के मंदिर में तो जरूर उकर घर संतान हो कहेगा जैसने गुरुजी बताई तिसने राजा की सुनो सुनो नगर के मंत्रियों गांव गांव तलाश करो कोई नौजवान बेटा बेचने वाला हो का भाटा गांव में 5 लाख रुपया दिए जाई ऐसे की घोषणा करे थे का वहां कौन अपन बेटी बेटल दी जाए बताओ तो कोई देने वाला नहीं है। आज गांव भर मुनियादी हो गए बेटा कोई नहीं दिस कहे तल्ले भाई अब वो नहीं मिले तब पान नहीं फूल सही एक ठिन बकरा लाले बकरा नान के माता रानी के मंदिर में ऐसे कहा रहेगा कहीं तो नहीं मिली थी तो का करबो एक ठिन बकरा ले लेता नहीं से कहे। अब मंत्री मने तिन बकरा लेके रस्सी बांध के लेगत रहे बेटा ये भरत भैया रास्ता मिले तो कहीं पर इस गा का कथे ए भैया हो ये बांध के लेगा था ते कहाँ लेगा था अतोला का करना है नहीं बता दन भाई काबर बांध दे बिचारल गला में अरे छोड़ दो लल्लू छोड़ दो वो बछरुल बांधे बांधे कतेक दिन ले रखू कथो मैं लल्लू सुने छोड़ दे भाई कतेक दिन ले रखो मिली बेच कर ही हमार काम भर कथो में तो सुने लेकिन बांध के मत रखो पापा सुने बेटा छोड़ कोई दिक्कत नहीं मिल ही राजा जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो के रहे बेटा सुने बांध के रखे बेटा रस्सी में बकरल बांध के तेन बंधिस के बांध के लेगत रहा है।